बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं तो अल्लाह का शुक्र जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, सारी सफाई वगैरह हो चुकी है, टाइम मैं आपको दिखाती हूँ, 10:30 बज चुके हैं और मैंने 8 बजे ही, सुबह के 8 बजे ही मैंने सारे काम, सफाई वगैरह ये मैंने कर ली थी। तो ये थोड़े से बर्तन रह गए नाश्ते वाले, तो नाश्ता वगैरह भी हम कर चुके हैं। हस्बैंड भी चले गए हैं जॉब पे, तो बच्चे दोनों बेटियाँ चली गई हैं जी, सना और निसा अपने स्कूल कॉलेज। तो बर्तन तो एक दफ़ा धो चुके हूँ, तो ये अब थोड़े से बच गए हैं। और ये सना के लिए मैंने बनाया था सैंडविच, उसके ये किनारे, क्योंकि निसा सना को ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये किनारे दो किनारों के बगैर सैंडविच खाती है, तो ये कट कर दीजिए, मैं चुड़ियों को डाल दूँगी। तो अभी मैं जी यहाँ पे अबाया डाल के खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर और दोपहर के खाने के लिए कुछ लेके आना है। तो बाहर धूप जो है वो बहुत सख्त है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं एक दफ़ा बाहर से चक्कर लगा के आती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए लेके आऊँ, तो दोबारा आके आपसे मिलती हूँ। जी तो दोपहर के खाने में मैंने बनाया है आलू गोश्त, जो कि मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ। तो आप जो है ये है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे बैठ रही हूँ, और ये आप देख रहे हो कि मैं इतनी ऊंची किस जगह पे बैठी हूँ, चारपाई तो पास पड़ी है। तो ये है जी इस्त्री वाला टेबल, तो काफ़ी बड़ा है टेबल, तो मैं अगर मतलब दिल चाहे तो बंदा बैठ भी सकता है, तो मैं इसके ऊपर बैठ गई हूँ। पीछे बड़ी सी पेटी पड़ी हुई है, उसके साथ मैंने टेक लगा ली है। और ये जी एक पार्सल आया हुआ था, वो भी मैंने पास रख लिया है, क्योंकि ये कादमी साहब का पार्सल है। पहले तो मैं खुद ही खोलने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, जब खा रहा है तो खुद ही खोले इसको। तो अब देखते हैं जी इसमें क्या है, आप भी देखें, मुझे तो कुछ कुछ अंदाज़ा है, क्योंकि जब ये ऑर्डर दिया था तो मेरे सामने ही ऑर्डर दिया था इन्होंने। तो देखते हैं जी, हैं आप देखें क्या निकलता है इसमें से। तो ये देखें, ये स्लीपर मंगवाए थे आदमी साहब ने, मेडिकेटेड स्लीपर हैं। तो ये आप देखें, बहुत ज़बरदस्त है वैसे, ये सॉफ्ट भी हैं, और ये पाँव को प्रेस भी करते हैं, और पाँव आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज़ होता है, जिसकी वजह से पाँव आपके हल्के फुल्के लगते हैं, और काम वगैरह करने में भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये है जी मेडिकेटेड स्लीपर। तो वैसे हम दोनों मिलकर ही पहन लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देर पहन भी, ये फुल टाइम ही पहने जाते, ये आधा घंटा या एक घंटा ज़्यादा से ज़्यादा बंदा पहन के चलता है, ज़्यादा नहीं इसको पहनना होता। तो ये हम मिलकर ही पहन लेंगे सारे, पूरी फैमिली। ये देखें, मुझे भी फिट है, मैं भी पहनना चाहूँ तो मैं पहन सकती हूँ। अच्छा, कल छुट्टी थी तो निशा ने ये सारी बर्तनों वाली अलमारी जो थी इसको साफ़ किया है, और ये सारी सेटिंग वगैरह की है, सारे बिखरे हुए थे बर्तन, जब ज़ाहिर जल्दी होता है तो फिर बंदा निकाल के तो ऐसे ही बंदा जो है रख देता है, तो काफ़ी बिखरी हुई थी अलमारी बर्तनों की। तो ये निशा ने पूरी अलमारी की सेटिंग कर दी है साफ़ करके, जितना भी उसके अंदर वो गर्द वगैरह थी वो नीट की है, ये देखें अच्छे से इसको मैनेज कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया है। तो चीज़ें अच्छी तभी लगती हैं जब सही तरीके से ऑर्गेनाइज हो। सना अभी स्कूल से आई है, तो नहा धो के सना फ्रेश हो गई है, और अब मैं बनाने और मुझे पोनी कर दे। अच्छा जी, कर देते हैं। और अभी आपके लिए मैंने वो अंडा भी बना रही हूँ,
सना देखें जी अभी आई है। सना को छुट्टी होती है 12 बजे और अभी आधा घंटा हो चुका है। और मेरे दादा दोस्त को होती है 1 बजे। और इतनी देर में सना ने नहा धो के फ्रेश हो लिया है, तो अभी मैं बना रही हूँ सना के लिए अंडा फ्राई और साथ में पराठा, साथ में चाय। ठीक है सना, चलो पोनी मैं अभी आपको कर दी। यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन किया हुआ है और सना के लिए अभी मैंने बनाना है अंडा। तो चलें जी सना के लिए बना लेते हैं, नाश्ता रेडी करते हैं। हाँ जी यहाँ पे बन रहा है अंडा। निशा क्या दिखा रही हो, दिखाओ, दिखा दो। अच्छा जी ये आगे दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। तो सुबह हो चुकी है, काजमी साहब ऑफिस चले गए हैं, तो ये मैंने थोड़े से कपड़े हाथ पे धो लिए थे। तो अभी जो है मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या ज़रूरी काम है। उससे पहले ये जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं ये मैं समेट लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या ज़रूरी काम है। तो बर्तन ही समेटे जा रहे हैं, नाश्ता कर लिया हमने, उठाए जा रहे हैं से। नाश्ता कर चुके हैं हम लोग, दो लोगों ने अभी नाश्ता किया, बाकी अम्मा हमारी सो रही है। तो थोड़ा सा किचन है समेटने वाला, वो मैं समेट दूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ ज़रूर काम। देखें नाश्ते के लिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर ये समेट के अभी मैं बताती हूँ आपको। ये ज़रूरी काम है जी, बिल, बिजली का बिल, एटम बम गिरा है इस दफ़ा जी हर बंदे पे, आवाम के ऊपर। तो इसको चेक करवाने के लिए जाना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो वो उसको दिखाने जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिल आया है। तो ये अभी मैंने जाना है चेक करवाने के लिए। तो आज की वीडियो जो है मैं यहाँ पर करूँगी ख़त्म, तो फिर आप से मिलूंगी मैं दोबारा इंशाल्लाह। तो चले जी अभी मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि अभी मुझे निकल रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, टाइम भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पौने 10 हो चुके हैं, तो अभी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।